अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने जो पिछली सीरीज़ कवर की थी बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ वन की, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फेज़ टू की तमाम डिटेल्स लेके आए हैं। इसमें कौन सी कैटेगरी से प्लॉट्स हैं और क्या उनकी प्राइस रेंज चल रही है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं असफर मुगल और ये आपको ऑर्चर्ड की तमाम डिटेल्स फेज़ टू की प्रोवाइड करेंगे। जी असफर भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि फेज़ टू की लोकेशन क्या है और इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, इसकी एक्सेस क्या है, अप्रोच थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी अली भाई, अगर इसकी हम ब्लॉक्स की बात करें तो ओएलसी ए से लेके एन ब्लॉक तक इसके ब्लॉक्स हैं। फेज़ टू जो है वो फेज़ वन के साथ कनेक्टेड है। इसमें हमें टू सेपरेट किटेड मिलते हैं, गेट्स मिलते हैं, जो कि एक गेट नंबर 5 है सुंदर रोड पे आता है और एक गेट नंबर 6 है वो जाति उमरा रोड पे आता है। बाकी इसकी एक्सेस जो है गेट नंबर 1 और 2 से कम्बाइन ही है, जो कि फेज़ 1 के साथ आती है। दूसरा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताइएगा। अली भाई, फेज़ 2 में हमें सिर्फ 5 और 8 मरला मिलते हैं। 5 मरला का जो रेट है वो मिनिमम को 32 लाख से लेके मैक्सिमम 70 लाख तक है। 8 मरला की अगर हम बात करें तो 8 मरला प्लॉट जो है वो वहाँ पे 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 1 करोड़ 20-25 लाख तक है। और क्या ये फेज़ 2 जो है टोटली एलडी से अप्रूव्ड है? जी अली भाई, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 अब टोटल बैरिया ऑर्चर्ड जो है एलडी से अप्रूव्ड हो गया है और इस बात को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। यानी कि इसमें गवर्नमेंट के तमाम टैक्सेज इम्प्लीमेंट होंगे? जी, अब जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेज होते हैं यहाँ पर अब इंक्लूड होते हैं। फेज़ 2 के कमर्शियल्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और उनकी क्या अप्रोच है। जी अली भाई, बेसिकली जिस तरह बैरियर टाउन के अंदर तलवार चौक वाला जो मेन बुलेवार्ड है वो बैकबोन कंसिडर होता है बैरियर टाउन की, इसी तरह फेज़ 2 का जो मेन बुलेवार्ड है ये बैरियर ऑर्चर्ड की बैकबोन कंसिडर होती है। यहाँ पर बैरियर ऑर्चर्ड का जो मेन कमर्शियल हब है वो बनने जा रहा है साउथ ब्लॉक में, जिसमें हमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 5 मरला की बुलेवार्ड पर भी कैटेगरी है। अवामी विलास के बारे में काफ़ी सुना है, अवामी विलास क्या है बेसिकली, ये फ्लैट्स हैं या क्या है और कितने बेड के हैं और मतलब एक ही बिल्डिंग में क्या इसकी लोकेशन है, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जी अली भाई, ये अवामी विलास की जो आई थी डील ये लो कॉस्ट में आई थी, ये डी ब्लॉक में बने हुए हैं, ये ट्रिपल स्टोरी जो है अपार्टमेंट्स हैं। इसकी एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 बेड विद 1 कॉमन बाथ और 1 किचन हमें ये मिलते हैं। ये टोटल एरिया जो है 5 मरला कंसिडर होता है, लेकिन इसका जो कवर्ड एरिया है वो 750 स्क्वायर फुट है। इनके रेट्स के बारे में बताएं कि इनके फ्लोर वाइज क्या रेट्स हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर हमें मिल जाता है 55 से लेके 60 तक, फर्स्ट फ्लोर हमें मिल जाता है 50 लाख से लेके 55 तक, सेकेंड फ्लोर हमें जो है 45 से लेके 50 तक मिल जाता है। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करते हैं कि फेज़ 2 के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फेज़ 3 की तमाम डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।